आज से 5 महीने पहले हम इस जगह पहली बार आए थे, द पार्वती वैली। इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कसौल एंड खीरगंगा ट्रैक के बारे में। कसौल, जिसको मिनी इसराइल भी बोलते हैं, दिस इज चार्मिंग एंड फैसिनेटिंग प्लेस इन द पार्वती वैली। कसौल इज अ टाउन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और कसौल के पास में काफी ऐसी प्लेसेस हैं दोस्तों, उन्हें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे रसौल, मणिकरण, तोश, मलाना, मैजिक वैली। हमारे पास 3 दिन थे तो हमने सिर्फ फोकस किया कसौल और खीरगंगा ट्रैक पे। अगर आप प्लान कर रहे हो पार्वती वैली आने का तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप छोटी से छोटी डिटेल जान सको। Hey guys, good morning. Welcome back to channel. Welcome back to the place. अभी मैं हूँ दिल्ली में और मेरी जो ऑलमोस्ट सारी ट्रिप्स है आजकल वो दिल्ली से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि दिल्ली कहीं भी जाने के लिए थोड़ा ट्रांसपोर्ट इजी रहता है और आई एम इनटू लाइक मोर एक्सप्लोरिंग नॉर्थ इंडिया। एम आई लुकिंग गुड? ऑब्वियसली यस। तो हम जा रहे हैं दिल्ली से कसौल। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, पहले कार से, बाइक से, पर बाद में हमने डिसाइड करा हम बस से ट्रैवल करेंगे। दिल्ली से मनाली कसौल जाने के लिए बस आपको इजी मिल जाएगी, प्राइवेट एंड रोडवेज दोनों। हम गए थे प्राइवेट बस से। रोडवेज बस का फेयर 900 से 1000 के बीच होता है और प्राइवेट बस का 1200 से 1500। एक प्रो टिप है, जब भी आप प्राइवेट बस के टिकट लेते हो रेड बस ऐप से, मेक श्योर आप अपनी जर्नी की डेट से 2 या 3 दिन पहले टिकट बुक करो, आपको चीपेस्ट प्राइस में टिकट मिल जाएंगे। हम दिल्ली से निकले शाम को 6:30 बजे। काफी कंफर्टेबल बस जर्नी थी, पता ही नहीं चला कब 12 घंटे निकल गए और हम कसौल पहुंच गए। सो फाइनली वी आर एट कसौल। सुबह 7 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे। 7 बजे के अगर पहले आते हो तो आपको कसौल में एंट्री मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको ये लोग भुंतर छोड़ देंगे और भुंतर से फिर कैब टैक्सी आना पड़ेगा। यहाँ पे आके हमने अभी तक हॉस्टल या होटल कहीं बुक करा नहीं है, इतना कुछ शॉप्स वगैरह खुली नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सर्च आउट मार रहे हैं। जब आपको ऐसे लोग बैठे मिल जाए समझ जाना पहाड़ी इलाका आ चुका है। यहाँ पहुंचे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस जगह को एक्सप्लोर कैसे किया जाए, अकोमोडेट कैसे किया जाए। फिर हम थोड़ी देर यहाँ वहाँ घूमे, लोकल लोगों से बात करी और सब फिगर आउट हो गया और हमने डिसाइड करा हमारा आज का स्टे होगा छलार विलेज में। बजट ट्रिप के लिए कसौल थोड़ा एक्सपेंसिव है, डिसाइड किया है हम पास में एक जगह है छलार, वहाँ जाएंगे और वहाँ पे हम हॉस्टल या होटल जो भी मिलता है उसको देखेंगे। थोड़ा कम एक्सपेंसिव है वो। हम क्रॉस करेंगे अब छलार का फेमस ब्रिज, जो आपने बहुत सारी फोटोज और वीडियोस में देखा होगा। ये है कसौल और छलार को कनेक्ट करने वाला वर्ल्ड फेमस ब्रिज। कसौल आके इस ब्रिज पे फोटो खिंचवा के अगर आपने अपलोड नहीं की तो आप कसौल नहीं आए। कसौल से छलार आधे घंटे का रास्ता है, कुछ इस टाइप का होगा, मिनी ट्रैक टाइप हो जाता है। छलार इज अमेजिंग प्लेस टू ट्रैक। यहाँ पे रिवर साइड कैंप्स मिलेंगे, बहुत अच्छे व्यूज दिखेंगे और पार्वती रिवर की सूदिंग साउंड तो आपके साथ है ही। कसौल तो काफी चिल प्लेस है, बट आपको पीसफुल प्लेस चाहिए इन कसौल बिटवीन द नेचर, तो कसौल से एक ब्रिज क्रॉस करिए और आप होंगे छलार विलेज में। यहाँ स्टे करने का एक रीजन है, यहाँ एकदम ऑथेंटिक वाइब फील होगी, जंगल, नेचर, बर्ड्स और ब्रेथ टेकिंग व्यू। थोड़ी दूर ट्रैक करने के बाद हमें एक बहुत सही प्रॉपर्टी दिखी, हमने स्टे की बात की और काफी अच्छे प्राइस पे हमें डील मिल गई, 1200 रुपीज अ डे। फिर हमने यहाँ रेस्ट किया और उसके बाद हम निकल गए छलार विलेज को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज छलार ट्रैक, छोटी सी हाइक है एंड डेंस जंगल ऑफ पाइन ट्रीज। यहाँ पे वॉक करने में इतना सुकून फील होगा ना, यू विल गेट टू नो द रियल ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट। द प्लेस इज वेरी ब्यूटिफुल एंड क्वाइट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द छलार इज लेस कमर्शलाइज्ड देन कसौल।
छलाल को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल गए कसौल मार्केट को एक्सप्लोर करने की। छलाल में हॉस्टल लेने में हमारा ये फ़ायदा रहा है कि हमने छलाल एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ पर ट्रैक करके आए भी हैं और जा भी रहे हैं, और अब कसौल को भी एक्सप्लोर कर लेंगे। ये है कसौल का मेन मार्केट। ये मार्केट इतना फैसिनेटिंग है ना, हर शॉप पे आई वॉज थिंकिंग ये भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, और ये तो ले ही लेते हैं। तुम्हें यहाँ सारी ट्रिपी चीज़ें मिल जाएगी और जगह जगह पे जर्मन बेकरी, यहाँ तुम्हें ब्राउनीज एंड पाई मिलेगी, मेक श्योर यू ट्राई।